अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद असलम सिद्दीकी, आपका स्वागत है भोजपुरी वर्ल्ड सिवान में। इस चैनल पे मिल जाएगी जो भी न्यूज़ होगा वो अपडेटेड रिक्वायरमेंट का न्यूज़ एब्रॉड से लेकर यूरोप तक की जितनी वैकेंसीज है टोटली अपडेट इसमें मिल जाएगा। फ्री वैकेंसीज और कुछ चार्जेबल वैकेंसीज इसमें होती है, जो जेन्युइन कंसल्टेंसी और सही ऑफिस की जानकारी इसमें आपको मिलेगी। तो पूरी रिक्वायरमेंट जानने के लिए बने रही हमारे साथ, और आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहता हमारे ये विनिंग सिस्टम में तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सिवान में। सिंपली आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है और एक सिंपल सा कमेंट करना है हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान। हो सकता है नेक्स्ट विनर आप भी होंगे, तो इस विनर की बात करेंगे इसी वीडियो में। दो विनर है, लकी विनर कौन है उनका नाम भी अनाउंस करेंगे इसी विनर में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए रिक्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं। अपडेटेड रिक्वायरमेंट की यहाँ बात करें तो कुछ कदर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से। यहाँ पे कुछ 24 महीने का जो कि यार 2 साल का यहाँ पे वैकेंसीज है, 2 साल के जॉब है यहाँ पे। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटी सुपरवाइजर, एच के टीम लीडर की रिक्वायरमेंट है, MEP टेक्नीशियंस की भी रिक्वायरमेंट इसे पब्लिश की गई है। अप्लाई करने का प्रोसेस, अप्लाई करने के लिए आपको इसमें मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, वेबसाइट मेंशन किया गया, वेबसाइट विजिट करना होगा, वहाँ विजिट करके आपको सिंपली रजिस्टर करके वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, रजिस्टर करना होगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स को भी क्वायरी है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिल्ली में ऑफिस अवेलेबल है, नेपाल में, बड़ोदरा, मुंबई और यहाँ तक के कतर और UAE अबू धाबी में भी अवेलेबल है ये कंसल्टेंसी। तो हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो तो जरूर इसमें अप्लाई करें। कंसल्टेंसी अच्छी और भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश किया गया जो कि इंटरव्यू हाल फिलहाल ये पहले ही बताया गया था, ये 22 तारीख को इसका इंटरव्यू है जो कि टाइम बहुत ही कम है। कल का इंटरव्यू अगर कोई मिस कर गया इसमें तो फिर से एक बार ऑफिस विजिट कर लें। यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको विजिट करना है, क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। तो हो सकता है आप अगर आपको याद ना हो तो इसलिए आपको याद दिलाने के लिए मैसेज ये फिर से एक बार पेपर पब्लिश किया गया, तो चेक करें। बहुत सारे भाइयों ने हमारे कहा है कि असिगमेंट अब्रॉड टाइम्स का पेपर पब्लिश करो, उसमें क्या बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता है, वो एक पेड एडवर्टाइजमेंट पेपर है तो उसमें जो भी पेड करेगा उनका एडवर्टाइज आएगा उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बट ये उसमें भी आपको समझना पड़ेगा कंसल्टेंसी कौन सा, इसलिए हम चुनिंदा कंसल्टेंसी के बारे में ही आपको बताते हैं। बाकी सब बहुत सारी ऐसे कंसल्टेंसी बाकी उनके बारे में बताए कोई खास फायदा नहीं है, इसलिए हम जेन्युइन बात करते हैं, जेन्युइन कोशिश करते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया जो कि JR ट्रैवल सर्विस, जो कि अच्छी कंसल्टेंसी है, ऑफिस अच्छा है ये, और उतनी तगड़ी और 100% वाली नहीं है, बस ये 70% इसका रिव्यू अगर दिखा जाए तो 70% का रिव्यू है। यहाँ पे मेंशन किया गया अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द साइपम के रिक्वायरमेंट है ये रशियन के लिए, कि इन रसिया का ये रिक्वायरमेंट है साइपम का, जो कि रोनसेन कंपनी, साइपम बहुत अच्छी कंपनी आपको पता ही होगा साइपम के बारे में। यहाँ पे एकोमोडेशन फूड प्रोवाइड कंपनी कर रही है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो मेंशन किया, अच्छी तरह से रीड कर लो। और ये पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी अच्छी मेंशन की गई है, सैलरी देख ले, पेंटिंग इंस्पेक्टर, वेल्डिंग सुपरवाइजर, मैकेनिकल इंस्पेक्टर, E&I इंस्पेक्टर, पाइपिंग इंस्पेक्टर के भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश की गई है। सैलरी अच्छी मेंशन है, डॉलर में सैलरी है। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी बात कर सकते हैं, कोई ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। बाकी बात करेंगे चार्जेस की तो चार्जेस ये ऑफिस वाले बेहतर बता पाएंगे चार्जेस उनका क्या है, क्योंकि डिपेंड करता है ये रिक्वायरमेंट पे, वैकेंसीज पे डिपेंड करता है चार्जेस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर शेड्यूल का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो 23-24 को इसका इंटरव्यू है, और ये पहले ही बताया गया था, फिर से एक बार आपको बताया जा रहा है, ओमान का ये रिक्वायरमेंट है और फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस में पे नहीं करना है। बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट अगर बात करें इसमें पोजीशन की तो प्लानिंग मैनेजर का रिक्वायरमेंट है जो कि टर्न अराउंड के लिए चाहिए, साइट मेंटेनेंस मैनेजर एंड साइट मैनेजर सीनियर, QA QC इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, QA QC इंजीनियर इंस्पेक्टर, मटेरियल इंजीनियर कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, क्वांटिटी सुपरवाइजर, मैकेनिकल प्लानिंग कोऑर्डिनेटर, पाइप इंजीनियर एंड फ्लैंग मैं इंजीनियर एंड HSE इंजीनियर ट्रेनर सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, HSE एडवाइजर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर, हाइड्रोजेटर इंजीनियर, QC इंस्पेक्टर, फोरमैन हाइड्रोजेटर की रिक्वायरमेंट है, फायर वॉचर, मैन होल वॉचर, स्कैप होल्डर, मटेरियल सीट मेटल फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टिंग कोऑर्डिनेटर, जनरल फोरमैन, मेल नर्स, टाइम कीपर एंड परमिट एडमिट कोऑर्डिनेटर की भी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपरवाइजर जो भी है उनके पास में क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, विसिल टैंक हीट एक्सचेंज का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंशन किया गया है। और पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, वहाँ से कंप्लीट रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस की अगर बात करें, यहाँ पर मेल आईडी अवेलेबल, मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स को भी क्वारी जो कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। कंसल्टेंसी की बात करें अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है, भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करेंगे स्नैक्स का, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है बट इसमें क्या डेट मेंशन नहीं किया गया इंटरव्यू का, पर्टिकुलर डेट कौन से डेट को इसका इंटरव्यू होने वाला है। ये सऊदी का रिक्वायरमेंट है, पंप टेस्ट ऑफ स्टेशन लीडर का रिक्वायरमेंट है। ऑफिस यहाँ पे 5 स्टेट के ऑफिस एड्रेस मेल आईडी के साथ मेंशन किया गया, अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इस मैक्स का ही है, ये रिक्वायरमेंट कतर का रिक्वायरमेंट है, फ्री रिक्वायरमेंट, कोई चार्जेस पे नहीं करना, इमीडिएटली डिपार्चर होगा इसमें। इसमें पोजीशंस की अगर बात कर लें तो मेंटेनेंस कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, आईटी कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेटर, क्लीन एंड वेस्ट कोऑर्डिनेटर, क्लीन एंड वेस्ट सुपरवाइजर, हॉकर सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश की गई है। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन किया गया, डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से रीड कर लें, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ये कंप्लीट मेंशन है। अप्लाई करने का, शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसेस दिया हुआ है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी मेंशन किया हुआ है। ऑफिस एड्रेस, 5 ऑफिस एड्रेस मेंशन है, नियर बाई सिटी अपने देख लें कौन सा बेटर होगा, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो। कंसल्टेंसी बात करें, कंसल्टेंसी अच्छी और बेहतरीन है, पुरानी कंसल्टेंसी है और जेन्युइन काम होता है इसमें। स्मैक्स का कतर का ये रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, जो कि बल्क हायरिंग फॉर द शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट इन कतर, शट डाउन का है, फ्री रिक्वायरमेंट है, इसमें भी कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है। और स्मैक्स जहाँ भी है बहुत अच्छी ऑफिस है ये। FB सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, HR कोऑर्डिनेटर, वेन्यू और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, आउटलेट कंसेशन सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट डिपार्चर की यहाँ पे मेंशन किया गया, इमीडिएटली डिपार्चर होगा ये। और कंप्लीट डिटेल्स मेंशन किया, डिटेल रीड कर रहे, पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करें, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया, ये UAE का रिक्वायरमेंट है, UAE पर्टिकुलर कौन सी जगह वो मेंशन नहीं है, बट UAE की रिक्वायरमेंट है। सैलरी की बात करेंगे इसमें, बाकी का कंडीशन की तो ये आपको कॉन्टैक्ट करके क्लियर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट, मैकेनिकल टेक्नीशियन, वर्कशॉप टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट, रिगर बैंकमैन, टायरमैन की रिक्वायरमेंट भी पब्लिश की गई है। सेम कंडीशन है, 4-5 ऑफिस का एड्रेस मेंशन किया, वहाँ पे मेल आईडी अवेलेबल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, नियर बाई सिटी अपने आप कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। स्मैक्स का कुछ और भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का ये रिक्वायरमेंट है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर रिक्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे ऑटो इलेक्ट्रीशियंस की रिक्वायरमेंट है, टायर मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ऑटो एंड एसी टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है, पीएम लीड टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे देखिए ये चीज मेंशन किया है, टायर मैकेनिक, यहाँ पे कोई टायर मैकेनिक मेंशन करता है, कोई टायर मैन मेंशन करता है, कोई टायर टेक्नीशियंस मेंशन करता है, तो ये वही है जो एक ही है बस, सबका अलग अलग बस वर्ड यूज कर रहे हैं, यही है और कुछ इसमें नहीं है। अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो। यहाँ पे सऊदी का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, ये भी स्मैक्स की तरफ से रिक्वायरमेंट है, ये पेपर अवेलेबल है, यहाँ पे पेपर आप रीड कर लें, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो। फैसिलिटी मैनेजमेंट का ये रिक्वायरमेंट है, ये हाउसकीपर का यहाँ पे है, हाउसकीपर के कुछ बार भाई और पूछ रहे थे कि हाउसकीपर के चाहिए, हैंडीमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियंस, हाउसकीपर एंड हैंडमैन, पेंटर, हाउस टेक्नीशियंस के रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस सेम है, अप्लाई कर सकता है, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो, तो ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ भी कुछ पब्लिश किया गया, कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि ये सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है और ये भी स्मैक्स की तरफ से ही पब्लिश किया गया रिक्वायरमेंट, जेन्युइन कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट है। वुड इंडस्ट्रीज का ये रिक्वायरमेंट है, ये वुड इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। CNC ऑपरेटर एंड कोरियन कारपेंटर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, या साइट कारपेंटर, यहाँ पे पेंटर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, सेम कंसल्टेंसी का एड्रेस मेंशन किया हुआ है, 4-5 स्टेट का, यहाँ पे मेल आईडी कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ है, तो अप्लाई कर सकते हैं। नियर बाई सिटी आप देख ले, आप कहाँ पे हैं, चेन्नई, कोची, चेन्नई, गोवा या फिर वाइजाक, मुंबई, अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, तो हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो। और यहाँ पे मेंशन किया गया रिक्वायरमेंट, ये भी स्मैक्स की तरफ से ही रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, ये सऊदी का ये रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द रिप्यूटेटेड वाटर वेस्ट फैक्ट्री इन KS है, तो ये रिप्यूटेटेड वाटर फैक्ट्री है, पानी की कंपनी का काम है यहाँ पे सिंपली। ये सब चीज़ जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अप्लाई करने के पहले आपको फील्ड पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है जब आप अप्लाई करेंगे तो उनमें पूछते हैं वो कौन से फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशंस की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट, मैकेनिकल टेक्नीशियंस की भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, और ये एक्सपीरियंस 4-5 साल का चाहिए। अप्लाई करने का प्रोसेस, 5 ऑफिस है यहाँ पे, किसी भी ऑफिस में नियर बाई सिटी आपने देख लें, कोची, वाइजाग, चेन्नई या गोवा या फिर मुंबई, कहीं भी अवेलेबल है तो वहाँ सिंपली मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर भी अवेलेबल है। कंसल्टेंसी 100% जेन्युइन, भरोसेमंद, लो कॉस्ट कंसल्टेंसी है, तो भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो। क्या यहाँ पे भी पब्लिश किया गया फ्री रिक्वायरमेंट, ये भी स्मैक्स का ही रिक्वायरमेंट है, सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट इटालियन कंपनी का है, UAE अर्जेंट रिक्वायरमेंट इन इटालियन कंपनी फॉर UAE एंड सऊदी, दोनों जगह का रिक्वायरमेंट है, ये फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई सर्विस चार्ज आपको पे नहीं करना है। पेंट्री सेफ का रिक्वायरमेंट, मैरिन सर्वेयर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑनलाइन मैरिन सर्वेयर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे रीड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन रीड कर ले, पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यूट्यूब के, और आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। कुछ विनर है, जो दो लकी विनर उनके बारे में बात करेंगे, तो पहले चलिए तो फिर लकी विनर कौन है उनके बारे में बात करते हैं। हाँ, अपने चैनल पे आ चुके हैं, यहाँ से वो वीडियो का लिंक कॉपी कर लेते हैं, जिस वीडियो का विनर चेक करना है, यहाँ सिंपली
क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे लिंक कॉपी हो गया। चलिए फिर पेस्ट करते हैं गूगल पे। यहाँ पे हम आ गए हैं गूगल पे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे सिंपली वीडियो का लिंक। पेस्ट करने के बाद में यहाँ डुप्लीकेट कमेंट जो है वो फिल्टर कर लेंगे, इंक्लूडेड रिप्लाई वाले को ऐड कर लेंगे, प्लस हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान जिन्होंने भाई ने टाइप किया है उन्हें ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद में चेक करते हैं फिर कमेंट्स कितने यूनिक कमेंट है, कितने कमेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे 12 कमेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है। 12 कमेंट के अंदर में जो भी बंदे हैं और जो उन्होंने टाइप किया उनको बताते हैं, इसी तरह से आपको टाइप करना है। एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं आप अच्छी तरह से, यहाँ पर मैंसन किया हुआ है हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान इस तरह से टाइप करना है तो हो सकता है नेक्स्ट विनर इंशाल्लाह आप भी हो। चलिए फिर चेक करते हैं विनर कौन है, विनर ढूंढ रहा है तो देख लेते हैं विनर कौन है। यहाँ पे विनर किसका नाम आता है, मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार विनर है जो कि बहुत पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये इनका कमेंट हर बार आता है। मिथिलेश कुमार मुबारक हो और आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें, अपना पेटीएम नंबर जो भी है डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पे भेज दें। चलिए फिर आपको कॉपी कर लेते हैं सिंपली, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका ताकि बाद में फिर पता लगे हमें कि कौन है विनर। ओके सेव कर लेते हैं यहाँ से। चलिए फिर नेक्स्ट विनर चूज़ करते हैं, फिरोज आफ्ताब। फिरोज आफ्ताब नेक्स्ट विनर है। तो इन फिरोज आफ्ताब आप अगर हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें और आपका जो पेटीएम नंबर वो हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं हमें। तो ये थे हमारे 2 लकी विनर, इनको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा विनर का नाम। तो ये थे हमारे 2 लकी विनर, अगर आप भी विनर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ टाइप करें हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान। चलिए वीडियो की बात करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट की बात करें। यहाँ पर और भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट कतर का ये रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, स्नैक्स की तरफ से ये भी रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें भी कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। यहाँ पर बल्क हायरिंग फॉर द शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट का ये रिक्वायरमेंट है, जो कैशियर का रिक्वायरमेंट है, हायकर एंड सेल्स असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया। इमीडिएटली डिपार्चर होगा, बाकी का डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया, रीड कर ले, अप्लाई करने का सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, बहरेन का कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे और भी स्नैक्स की तरफ से एसरे ये वी आर हायरिंग फॉर द पोजिशन। प्लेटर सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश की गई है, वेल्डिंग सुपरवाइजर साथ में, टैगिंग सुपरवाइजर, वेल्डिंग टीम लीडर का रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस क्रेन इलेक्ट्रीशियंस की रिक्वायरमेंट है, प्लेटर रिगर वेल्डर FCAW फ्लैक्स कोड आर वेल्डिंग एंड EOB इलेक्ट्रीशियन का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया है। और ये भी रिक्वायरमेंट बहुत ही जल्द इंटरव्यू होने वाला है, क्लाइंट इंटरव्यू शॉर्टली बहुत ही जल्द होने वाला है और ये शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करें, अप्लाई करने के लिए 5 स्टेट का यहाँ पे नंबर, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया, कोची, चेन्नई, गोवा, वाइजाक एंड मुंबई। तो आप कहीं भी हैं ये 4-5 स्टेट में नियर बाय तो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए बेहतर हो तो जरूर कॉन्टैक्ट करें, अप्लाई करें। कंसल्टेंसी 100% जेन्युइन और भरोसेमंद है। फील्ड इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर के रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, UAE के लिए कोरियन कंपनी का ये रिक्वायरमेंट है और इसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए, स्किल क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ, अच्छी तरह से रीड कर लें तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा पूरा डिटेल बताने तक। तो कोशिश करेंगे वीडियो शॉर्ट में बनाने के लिए, प्लीज़ जरूर इसे रीड करें। और यहाँ पर मेंशन किया गया कतर का रिक्वायरमेंट है जो कि बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस पे नहीं करना है आपको। यहाँ पर इंस्ट्रूमेशन कमिशनिंग इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है और यहाँ पर डिग्री बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी कंप्लीट डिटेल यहाँ मेंशन है, रीड कर लें। सुमन की बात करें, अच्छी और भरोसेमंद कंसल्टेंसी, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल है, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारी हो तो वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डायरेक्टली विजिट करके क्लियर कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो। यहाँ पर FQ इंटरनेशनल की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि FQ जेन्युइन कंसल्टेंसी है, UAE का रिक्वायरमेंट है, फॉर द लीडिंग फैब्रिकेशन कंपनी क्लाइंट इंटरव्यू नेक्स्ट वीक होने वाला है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, मिग वेल्डर 2G 3G 12mm प्लेट का वेल्डर चाहिए वहाँ पे और यहाँ पे हेल्पर की भी रिक्वायरमेंट है। सैलरी क्या होगी, सैलरी इसे मेंशन नहीं किया गया, एज लिमिट 45 लास्ट है, 45 के अंदर अंदर जो भी बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेल आईडी अपने मेल करें, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपीज ब्लू मेल अटैच करके मेल कर सकते हैं। FQ की बात करें तो अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है, केरल की रजिस्टर्ड है और भरोसेमंद है, 99 की रजिस्टर्ड है, तो 1000+5 है, कंसल्टेंसी अच्छी है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दीवान की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि अच्छी कंसल्टेंसी है दीवान और बेहतर कंसल्टेंसी है। ये रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग कंपनी इन एल्युमिनियम एंड किचन इंडस्ट्रीज का ये रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट है कुवैत के लिए। ब्लैकस्मिथ का रिक्वायरमेंट है, SS हैंडलिंग फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट, एल्युमिनियम किचन फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट, एल्युमिनियम डोर एंड विंडोज फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है, फिनिशिंग कारपेंटर की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर ड्राइट्स पेंटर की रिक्वायरमेंट है फॉर आयरन एंड एल्युमिनियम बोथ आ रहे। तो इसमें देखिए इन फील्ड में आपको सेम फील्ड में एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, बहुत ही कंपलसरी है। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर क्या वहाँ से सिलेक्शन का फिर आपके पास कुछ रिप्लाई नहीं आता, फिर आप कहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा, कुछ रिप्लाई नहीं आया। नहीं आने का चांसेस ये होता है कि जिस फील्ड का रिक्वायरमेंट उसी फील्ड पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो अप्लाई करें, नहीं तो उसको अपडेट करें CV में कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस है इस फील्ड का।
यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखे कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ, अच्छी तरह से रीड कर ला, हो सकता है इंशाल्लाह बेहतर हो। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल, मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स को भी क्वारी जो कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर करें। कंसल्टेंसी की बात करें, अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। कतर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि एमजी वाले के तरफ से रिक्वायरमेंट है, एमजी ग्लोबल अच्छी कंसल्टेंसी है, भरोसेमंद है, इसे भरोसा कर सकते हैं। और ये कंसल्टेंसी मुंबई में अवेलेबल है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द कतर एयरपोर्ट का ये रिक्वायरमेंट है। वैकेंसीज लार्ज नंबर में, कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज है इसके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू बहुत ही जल्द होने वाला है ऐसा मेंशन किया गया। अभी क्या फिलहाल एमजी वाले में क्या डेट नहीं आ रहा है इंटरव्यू का, बस ऐसे ही मेंशन किया जा रहा है। तो सेल्स असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है लग्जरी बोटिक के लिए, यहाँ पे फूड सर्वर का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट कमिशिंग सेफ का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सर्विस एसोसिएट का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया यानी वेटर का। तो यहाँ पे देख ले कंप्लीट डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, वीडियो में अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको पेपर चाहिए तो पेपर टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाकर रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे मेल आईडी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हो सकता है कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारी है तो क्लियर कर सकते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर करें। कंसल्टेंसी की बात करें, अच्छी और बेहतरीन। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड बंदे हैं उनका अपना, जो भी कैंडिडेट है उनका अपडेटेड सीवी, पासपोर्ट कॉपी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेल कर दें, और पोजिशन लाइन में अप्लाई करने के बाद जरूर मेंशन करें कि आप सब्जेक्ट लाइन में कौन सा पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट लाइन में जरूर अप्लाई कीजिए, देखेंगे अप्लाई करने में एक सब्जेक्ट लाइन आएगा, उस सब्जेक्ट लाइन में मेंशन किया करें आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्या चांसेस ज़्यादा रहता है रिप्लाई आने का। और बात करें अगर एमजी वाला ग्लोबल की, तो अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रासल खेमा यूएई का, यहीं का रिक्वायरमेंट है, और ये 24th को इसका इंटरव्यू होने वाला है, 24th को इंटरव्यू होने वाला है, ये चेन्नई में इंटरव्यू होगा, ये टोटली डिटेल मेंशन किया गया है यहाँ पे। देखिए यूएई रासल खेमा लीडिंग फैसिलिटी फैब्रिकेशन कंपनी है ये, वाल्किन इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू होने वाला है चेन्नई 24 अगस्त, लीड इंस्टीट्यूट, यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन किया गया है, एट्रैक्टिव सैलरी रहेगा प्लस ओवर टाइम एकोमोडेशन, यहाँ पे फूड मेंशन नहीं किया गया, यानी कि फूड का आपको अनाउंस मिलेगा शायद, तो ये चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा, 8 घंटे ड्यूटी होगी, ये चीज़ क्लियर मेंशन किया गया, बाकी का जो भी डाउट्स है वो आपको कॉन्टैक्ट करके क्लियर करना होगा। पाइप फिटर के यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सैलरी कुछ खास नहीं है फिर भी देख ले आप। विसल फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, मिग वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, वेल्डर टी एन आर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, एसएस वेल्डर का रिक्वायरमेंट, आर्क वेल्डर एंड स्प्रे पेंटर, ईएनआई टेक्नीशियंस की भी रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रीशियन का भी रिक्वायरमेंट इसमें पब्लिश किया गया। हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो तो जरूर अप्लाई करें। अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया गया, अप्लाई करने के लिए आपको मेल आईडी यहाँ पे मिल जाए, मेल आईडी मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट कोई भी क्वारी कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर करें। कंसल्टेंसी की बात करें, क्रिसेंट कैरियर अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, 100% में नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक है, ये 50-60% में है, तो इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज बताने का मतलब ये है कि बाकी आप बात समझ जाए, हर चीज़ को क्लियरली वीडियो में बताना हमारे ख्याल से सही नहीं होगा। तो यहाँ पे यूएई का कुछ रिक्वायरमेंट जो कि सेमी गवर्नमेंट कंपनीज है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी का रिक्वायरमेंट, सेमी गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है सैलरी ज़्यादा होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस फैसिलिटी सेमी गवर्नमेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट, वॉल्क इन इंटरव्यू रहेगा 24th को, एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा, गल्फ एक्सपीरियंस जरूरी है, मल्टी टेक्नीशियंस एमईपी के रिक्वायरमेंट है, सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया और टोटल इतना आएगा, मतलब फूड अलाउंस भी दिया गया है इसके अंदर। प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, देखिए सैलरी हमने कहा था सैलरी अच्छी है, इसमें सैलरी ठीक है, फूड अलाउंस के साथ मिला के इतना सैलरी आपका आएगा। कारपेंटर जिप्सम कारपेंटर की रिक्वायरमेंट, मेशन ऑल अराउंड की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे पेंटर का रिक्वायरमेंट है, पेंटर का सैलरी थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ पे एचवीएसी टेक्नीशियंस की भी रिक्वायरमेंट है, तो अच्छी तरह से आप रीड कर ले, सैलरी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप एग्री है तो आगे बढ़ सकते हैं, एग्री नहीं है तो ना बढ़े आगे, आपकी मर्जी, इसमें किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये चीज़ क्लियर कर लिया करें हर चीज़। और यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं होम एप्लीकेंट टेक्नीशियंस और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस, बाकी यहाँ पे एचवीएसी का मेंशन किया हुआ है सैलरी यहाँ पे। और देखें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया आईटीआई फ्री फूड 200 दिरहम मिलेगा, यहाँ पे फ्री फूड और अलाउंस मिलेगा 200, फ्री एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन रहेगा यहाँ पे, 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, जीसीसी एक्सपीरियंस मस्ट है, ड्यूटी आवर्स 10 घंटा रहेगा, 6 दिन काम होगा आपका। यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट मेंशन किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल है, ये यहाँ पे जो 10 घंटा ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बाकी आप देख लें। तस्मिया एंड फोन नंबर भी मेंशन किया गया है, रिसेंट कैरियर अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है, 100% नहीं है बट 50-60% है रिव्यू इसका, तो आप देख लें। यहाँ पे त्रहान की बात करें जो कि 100% जेन्युइन है, आँख बन करके भरोसा कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अपॉर्चुनिटी फॉर एब्रॉड ओमान एमईपी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वैकेंसीज इन लार्ज नंबर, कॉन्टैक्ट इमीडिएटली कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया है। पाइप फिटर चिल्ड वाटर लाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लम्बर की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, फूड का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है,
फूड के बारे में आपको कंफर्म करना होगा, कांटेक्ट करके, मेल करके कांटेक्ट कर लें। और इंडियन एक्सपीरियंस होल्डर कैन अप्लाई, तो देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इंडियन एक्सपीरियंस होल्डर कैन ऑल्सो अप्लाई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर इंडियन एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, तो हो सकता है बेहतर हो आपके लिए, तो सैलरी का ज़्यादा इशू नहीं होगा फ्रेशर के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंसी 100% जेन्युइन और भरोसा ज़बरदस्त है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया। नेक्स्ट रिक्वायर बात करें, नेक्स्ट रिक्वायर यहाँ पे लीडिंग कंट्री ऑफ द ओमान का कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि सोलर की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है, सोलर इंजीनियरिंग का ये रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि सेंट फॉर द अपडेटेड सीवी यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट मेंशन किया गया। और ये क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे क्वालिफिकेशन बी एंड द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट पब्लिक मेंशन किया गया, एक्सपीरियंस 5 ईयर्स टू सोलर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कैलकुलेशन फॉर द पावर रिक्वायर्ड इंडिविजुअल और द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन किया, जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से रीड कर लो, पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, अवेलेबल है सिंपली। कंसल्टेंसी की बात करें, रिसोर्स सेंटर जो कि अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, रजिस्टर्ड केरल की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी 1000+10 है। और ये कंसल्टेंसी ऐसी एक ऐसी कंसल्टेंसी है जो कि यूरोप और एब्रॉड बोर्ड पर बहुत जगह से इतने रिक्वायरमेंट पब्लिश किया था, और ये जेन्युइन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करें, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे शटडाउन का कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि फ्री रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट एशिया पावर की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि 100% जेन्युइन कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट है। फ्री रिक्वायरमेंट फॉर द वैकेंसीज इन लार्ज नंबर, मदीना ग्रुप का रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन एक्सलेंस, अर्जेंट रिक्वायर फॉर द GTL सील प्रोजेक्ट इन कतर। GTL सील प्रोजेक्ट का पहले से भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया था, जो कि बहुत सारी कॉन्स्टिटेंसी में इसका बताया रिक्वायरमेंट, और इसमें भी आया हुआ है, ये शटडाउन का रिक्वायरमेंट है, जो कि 24th का इसका इंटरव्यू चलने वाला है। इंटरव्यू कहाँ होगा ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया, ये इंटरव्यू विशाखापट्टनम में होने वाला है, मेनकंथा इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम में जो भी बंदे अवेलेबल है वहाँ सिंपली विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट पोस्ट पोजीशंस की बात करें यहाँ पे, तो सुपरवाइजर फोर एंड मैकेनिकल पाइपिंग वॉल्व एंड वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, टिग एंड आर्क वेल्डर SS एंड इनकॉर्नल की रिक्वायरमेंट है, फुल टिग SS एंड इनकॉर्नल की रिक्वायरमेंट है, वॉल्व कोऑर्डिनेटर, फीटर मैकेनिकल पाइपिंग एंड फायर वाचर, होल वाचर, फैब्रिकेशन, पाइप एंड स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। यहाँ पे जितनी भी सैलरीज है वो निगोशिएबल है, फ्री फूड एकोमोडेशन रहेगा, तो आप बात कर सकते हैं सैलरी के ऊपर, सैलरी का जो टॉपिक है उससे बात करें, क्लियर कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट है, जो भी कैटेगरी से है, उनके पास गुड शटडाउन एक्सपीरियंस होना चाहिए, GCC और रिटर्नर बंदे होना चाहिए, ऑयल एंड गैस कंपनी का रिफाइनरी का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। तो देखिए शॉर्ट लिस्टिंग और प्रोग्रेस चला, शॉर्ट लिस्टिंग का लास्ट डेट है देखिए 21 और 22 का अगस्त मेंशन किया है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फर्स्ट प्रीफर्ड, तो जो भी बंदे शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं वो पहले प्रीफर्ड किए जाएंगे। तो आप इसे मेल कर सकते हैं, मेल करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं पर्सनली, वहाँ पर एड्रेस यहाँ पर मैंसन किया गया है गाजुआका में, ये देखिए गाजुआका यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया। तो कंसल्टेंसी 100% जेन्युइन और भरोसेमंद है, भरोसा कर सकता है, अप्लाई कर सकता, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे हैप्सन का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि हॉस्पिटल्स का रिक्वायरमेंट है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ये सऊदी का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि डॉक्टर फील्ड का है। जूम के थ्रू इंटरव्यू होने वाला 6 सितंबर 2021 एंड 9 सितंबर, देखिए ये दो डेट मेंशन किया गया, इस दो डेट को यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, और ये जूम एप्लीकेशन जो कि एप्लीकेशन है, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, उस एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू होगा। तो पोजीशंस की बात करें, मेडिकल फील्ड का है, कंसल्टेंट का रिक्वायरमेंट है, तो मेडिकल फील्ड की बात आप समझ सकते हैं, जो भी बंदे हैं मेडिकल फील्ड से वो सिंपली देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया है। और कंसल्टेंसी की बात करें स्पेशली, तो कंसल्टेंसी अच्छी और बेहतरीन है, भरोसेमंद है, इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया। पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सऊदी का कुछ जॉब पब्लिश किया गया, जो कि डायनेमिक की तरफ से है, जो कि अच्छी कंसल्टेंसी, ये 12 महीने कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यानी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। QA QC मैकेनिकल इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है, 5 ईयर्स से 5 से मिनिमम लेकर 20 तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 1600 to 1800 USD मेंशन किया गया, यानी कि डॉलर पे मेंशन है सैलरी। ये अप्लाई करने का प्रोसेस, आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, www.dss.hr.com पे विजिट करके, वहाँ सिंपली आपको रजिस्टर्ड करना होगा, वहाँ से अप्लाई करना होगा। बाकी कोई भी डाउट्स होता है तो यहाँ नियर बाय अपने सिटी देख ले, अप्लाई कर सकते हैं। अब्रॉड भी अवेलेबल, अबू धाबी, कतर में भी ये कंपनी अवेलेबल है, इसका नंबर यहाँ पे, यहाँ सिंपली विजिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। तो ये था हमारा अब तक का पूरा कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, पहली बार चैनल विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच पाए। चलिए कुछ कमेंट्स की बात करेंगे, बने रहिए वीडियो। कमेंट्स की बात करें, यहाँ पे इंजीनियर इमरुल हक जो कि विनर थे, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया नहीं है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लें। जो भी हमारे विनर है, जो वीडियो एक बार कमेंट करके भूल जाते तो खैर कोई बात नहीं, अगर कोई भी है जो कि हमें कॉन्टैक्ट नहीं किया तो सिंपली कॉन्टैक्ट कर लें, आपका जो विनिंग अमाउंट आप तक पहुँच जाएगा। और यहाँ बात करते हैं जुबैर आलम की, तो सर लैंड सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है बट आ रहा है।
रिक्वायरमेंट तो वैसे बहुत सा, बट जेन्युइन कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट आजकल थोड़ा कम आ जाएगा, एक दो दिन में बहुत सारा रिक्वायरमेंट आने वाला है इसी वीक में इंशाल्लाह। तो चेक करते रहे आप, वीडियो देखते रहे कंटिन्यू, इंशाल्लाह जरूर जॉब मिलेगी। और शेख शमसुद्दीन यहाँ पे लिखते हैं, शेख शमसुद्दीन का मैसेज है, वो लिखते हैं मैं आपका वीडियो एवरी डे वॉच करता हूँ, बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू वेरी मच जी शेख शमसुद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे क्रैक जैक लिखते हैं प्लीज़ ऑडियो क्वालिटी सही करिए ब्रदर। हाँ ऑडियो क्वालिटी आप बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने ऑडियो अभी चेंज किया हुआ है, तो प्लीज़ चेक कर अगर ऑडियो क्वालिटी सही है तो बताएं, नहीं है तो भी बताएं प्लीज़। समाधान बचाओ, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए शेख शमसुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने पेटीएम नंबर दिया, इनका अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दिए हम हमारे हिसाब से। और यहाँ पे विक्रम साधु जी एक बार विनर हो चुके हैं, हमारे पास लिस्ट है, एक लिस्ट में नाम भी है इसमें, विक्रम साधु, हाँ विक्रम कुमार साधु, तो ये विनर हो चुके हैं, इन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। एमडी सावाज लिखते हैं भाई अल ओवरसीज़ ऑफिस कैसी है, अल ओवरसीज़ ऑफिस के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ, उतनी सही नहीं है ऑफिस भाई, एक वीडियो बनाइए मुंबई और जिसमें फ्रेशर का इसमें भी चांस है, ये लास्ट में वीडियो के एंड में देखेंगे आप, तो फ्रेशर का भी एक दो कॉन्सल्टेंसी में बताया हुआ है, फ्रेशर अप्लाई क्लियरली मेंशन किया गया, फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई, फ्रेशर का ऐसा एक्चुअली कोई ऐसा कुछ देखते हैं, फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जियाल उबेदीन लिखते हैं वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच जियाल साहब। असलम खान लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, आपको टाइप करना है हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान आलम खान साहब, और विदाउट स्पेस के, आपने इसमें स्पेस जो भी जो गैप है ना वो गैप नहीं देखना है। तो यूसुफ फवाज लिखते हैं बाइक राइडर जॉब दिया है स्किलोटेक ने, क्लियर लिखा है 3500 कतरी हज़ार में, कतर का वो क्लियर लिखा है 3500 मीन्स कतरी के लिए, हाँ तो उसमें कॉन्टैक्ट करें, स्किलोटेक अच्छी ऑफिस है, बेहतरीन है, कॉन्टैक्ट करें इंशाल्लाह काम बनेगा। शेरुद्दीन खान भाई शेर खान, और यहाँ पे लिखते हैं वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जी शेर खान जी, शेर खान ही बोलेंगे आपको आपसे। निशा मिश्रा लिखते हैं थैंक यू दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। और गुड मोबाइल डील लिखते हैं गुड जॉब मोबाइल डील जी, आप कंप्यूटर ऑपरेटर है, बार बार कहते हैं आपको जॉब नहीं मिलता है, बहुत सारा जॉब टाइम कीपर स्टोर कीपर का जा रहा था, आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। निशा मिश्रा लिखते हैं ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच जी। साहेब एकेडमी लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम ब्रदर गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच जी साहेब जी। सुमित गुप्ता लिखते हैं भाई आईटीएल इंटरनेशनल ट्रेड लिंक कैसा ऑफिस है, आईटीएल अच्छी ऑफिस है जी, बेहतरीन है, पर्सनली हम जानते हैं, हमने विजिट किया हुआ, उसे फ्लाइट किया हुआ है, बहुत अच्छी कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है। यहाँ पे अफरोज आलम लिखते हैं सुमित गुप्ता अच्छा है, अच्छा इन्होंने उनको रिप्लाई दिया, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है किसी को अगर कंसल्टेंसी के बारे में जेन्युइन चीज़ अगर आप जानते हैं, आप गए हैं या आपका भाई गया है, आपका कोई ऐसा गया है जो कि आप के जान पहचान में, और जेन्युइन चीज़ आप 100% कन्फर्म है, तो सुनी सुनाई बात पे नहीं, बात समझ रहे ना, सुनी सुनाई बात में आपका ऐसा कन्फर्मेशन का मतलब ऐसा होता है जैसे आपका कोई अपना गया हो जिससे आप बात कर पाए अभी फिलहाल फ़ोन करके, हाँ भाई मेरा चाचा या दोस्त कोई गया आपसे फ़ोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं तो बताए कि हाँ ये कॉन्सल्टेंसी जेन्युइन है, तो उस हिसाब से आप किसी को राय दे सकते हैं, हमारा यही राय, बाकी आपकी मर्जी कुछ भी कहें कोई बात नहीं, आपका दिल दिमाग है ना, उसमें क्या होता है क्या ना सही चीज़ बंदों को पता लगता है, बस यही कहना है बाकी कुछ नहीं। मोहन कुमार लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सिवान आप बेहतरीन जॉब, आपकी कोई ऑफिस है, हमारा ऑफिस बस यही फ़ोन है और वही है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे, बस इतना ही काम है हमारा, हमारे तरफ से ना किसी को कॉल जाता है, ना कोई पैसे का डिमांड होता है, ना वीज़ा ना टिकट कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ फ्री सजेशन दिया था जो कि सबको नहीं चाहिए फिर भी हम देते हैं ऐसा ही है। मोहन कुमार लिखते हैं अगर अभी कहीं का रिक्वायरमेंट है तो बताइए भाई, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ आपको वीडियो इसके लिए चेक करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त आपका जाया करना होगा जनाब। यहाँ पे आशीष झा लिखते हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फ्रेशर रिक्वायरमेंट, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फ्रेशर का भी रिक्वायरमेंट आता है, आप वीडियो देखते रहिए आएगा इंशाल्लाह, और ऐसा कुछ होता है तो हम इन्फॉर्म पर्सनली आपको करेंगे। शब्बीर अहमद लिखते हैं नाइस वीडियो सर, थैंक यू वेरी मच जी शब्बीर जी। साहेब अकेडमी लिखते हैं बेस्ट वीडियो मेकिंग फॉर जॉब इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच जी साहब जी। और यहाँ पे मेंटोर मैक्स लिखते हैं आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है, आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है वो नहीं पता है तो आप मैसेज करें सिंपली आपको बताएंगे, बहुत सारे बंदों को नहीं पता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तो ऐसा कोई बड़ी बिग डील नहीं है ये, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाएगा 9778758212, मैसेज कर लें, वॉइस मैसेज कर लें, लिखना नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता तो भी हम हाजिर आपके लिए है ना। अपने आपले लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सेवन आई बिलीव दिस चैनल थैंक्स, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल खुश हो जाता है आपकी इन सब बातों को सुन के। जसविंदर निहार लिखते हैं नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच जसविंदर जी। मेंटोर मैक्स लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सेवन गॉट इट, थैंक यू। जमील खान लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सेवन, थोड़ा सा स्पेलिंग आप चेक कर लें जमील जी। जमील खान लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड भोजपुरी सवा नाइस वीडियो ब्रदर, थैंक यू वेरी मच जमील खान जी। आमिर खान इंडिया क्या बात है, बहुत खुशी की बात है, भोजपुरी वर्ल्ड सेवन बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और आलम खान का मैसेज गुड साउंड, थैंक यू वेरी मच जी, साउंड अच्छा है बस यही हमें जानना है साउंड के बारे में, साउंड सही है कि नहीं, साउंड वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया जी। विनोद जी, मुरलीधरन लिखते हैं थैंक यू योर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच जी मुरली जी। सिकंदर आलम लिखते हैं आई लव योर वीडियो, थैंक यू वेरी मच जी सिकंदर आलम। एमडी इरफान लिखते हैं सर पाइप फीटर का काम क्या, मतलब समझ में नहीं आया बात।
शंकर साहिल लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सीवन हैशटैग, थैंक यू जी शंकर जी। शंकर साहिल लिखते हैं यूरोप कुवैत का जॉब है, भैया बिल्कुल जॉब है, आपको वीडियो मिल जाएगा। नईम मोहम्मद लिखते हैं ओके ओके जी। सुमित गुप्ता लिखते हैं ऑफिस कैसा है, आईटीएल है ना, इंटरनेशनल ट्रेड लिंक है, आईटीएल है, अच्छा ऑफिस है। शेख जफर बासु लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सीवन बहुत बेहतरीन, नाइस जॉब, थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पे जसी, यहाँ पे किसका, द गोस्पेल ट्रूथ, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम क्रिस्टोफर है और मैं सेफ कुक हूँ। और सेफ कुक का बहुत सा रिक्वायरमेंट मुंबई में, आपके लिए वीरा इंटरनेशनल बेस्ट कंसल्टेंसी होगी मुंबई के अंदर, अगर आप अवेलेबल है तो वहाँ जाए डायरेक्ट, रिक्वायरमेंट है या नहीं उसे कोई बहस नहीं, आप वहाँ पर जाए जाकर विजिट करें, विजिट करके एक फॉर्म फिलअप करके वहाँ देंगे, वो रजिस्टर्ड करके रखेंगे, कुछ भी होगा तो आपको मेल आई डी, मेल पे आपको मेंशन किया करें, व्हाट्सअप पे, ऐसा बहुत सा फैसिलिटी जो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और हमारे चैनल को भी देखें बिल्कुल ना भूलें हमें भी। और यहाँ पे जंसी लकी लिखते हैं, यहाँ पे भोजपुरी वर्ल्ड सीवन गुड चैनल योर, मैंने ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी जसी लकी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेमत अली लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सीवन अभी सही है आपका वॉइस, अभी सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, यही जानना था हमें। और मिथिलेश कुमार, मिथिलेश कुमार आप विनर हैं, आपका स्वागत है एक बार विनिंग में, विनिंग में, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। और यहाँ पे फिरोज आफ्ताब, जो फिरोज आफ्ताब ये भी विनर है, तो प्लीज़ ये दो लकी विनर कॉन्टैक्ट कर लें हमें ज़रूर। एमडी सरताज अंसारी लिखते हैं, सर आप दुबई में कौन सा काम करते हो। अच्छा सरताज साहब ये बताइए, हमारे काम का इंपॉर्टेंट है ज़्यादा जानना आपको, क्यों, आखिर वजह क्या है, तो बताएं थोड़ा, आपका जो काम है वो देख लीजिए, आपके काम के अकॉर्डिंग आए हैं या फिर हमारे काम का इंक्वायरी करने के लिए। चलिए कोई नहीं। यासिर पटेल लिखते हैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम यासिर जनाब, कैसे हैं, खैरियत से हैं जी। पोलास ड्योस्टा, या फिर ये नाम बड़ा डिफिकल्ट है, पोलास ड्योस्टा, सर सिंगापुर खबर, मतलब समझ में नहीं आया, ये चीज़ क्लियर करें क्या है। एमडी सहवाज लिखते हैं हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, वॉइस क्लियर है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फिरोज आलम लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, भाई मुंबई में जो वेडनेसडे सैटरडेज का वार्ड पेपर आता है, जी हमने कहा ना वार्ड पेपर आता है, वार्ड पेपर आपको मिल जाएगा, वार्ड पेपर हम पब्लिश कर देंगे, बट वार्ड पेपर में हर एक कॉन्सल्टेंसी को जज नहीं कर पाएंगे ना, अगर कर पाते तो अच्छी बात है, हम पब्लिश कर देंगे, कोई नहीं। गौसे आजम लिखते हैं, नाइस, थैंक यू वेरी मच जी गौसे आजम जी। एमडी इरशाद लिखते हैं हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, थैंक यू जी। एमडी इरशाद लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, आई एम अवेलेबल इन मुंबई, आप मुंबई अवेलेबल, हमें यही जानना था, पब्लिश पेपर हो रहा है नहीं हो रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया हमें, बहुत शुक्रिया जी। फैज अहमद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आलम खान लिखते हैं थैंक्स फॉर हेल्प भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, थैंक यू वेरी मच जी आलम जी, वेलकम। नियाज अहमद सैफी लिखते हैं यहाँ पे भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, माइक अच्छा है, आवाज़ भी सही है, लगे रहो ब्रो, गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच जी नियाज अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब निशा मिश्रा लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, आज आवाज़ किसी को की लग रही है, किसी और की लग रही है, नहीं नहीं आवाज़ किसी और की ऐसा कुछ नहीं है, ये माइक चेंज किया गया, बस यही मसला है, आवाज़ हमारा ही है और कौन बोलेगा। सेतुबर रहमान, सतीबुर रहमान, सॉरी सतीबुर रहमान कोलकाता, केवन अशो दादा मुबारक, कचकरिया महिमकर भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, गुड इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू वेरी मच जी। जफर अख्तर लिखते हैं यहाँ पे काम की बात करो, और ये जो गलत गलत मैसेज है न लिखा करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको लिखे, हमें जो करना है हम वही करेंगे, हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल्स बताएंगे, प्लस कमेंट पढ़ेंगे, विनर बताएंगे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप प्लीज़ भाड़ में जाएँ। यहाँ पे शेख शमसुद्दीन लिखते हैं हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, भाई गेटिंग माई विनिंग प्राइज, आई लव टू मच, आई कैन स्टे। देखिए विनिंग प्राइज आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना दें इसको, विनिंग प्राइज को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह बढ़ाया जाएगा अगले महीने से, हर महीने से बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा, बट ये विनिंग प्राइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि आपके साथ हम जुड़ रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है, बस ये सोच के हम ये चीज़ हमने स्टार्ट किया बस, और इंशाल्लाह आप सोच नहीं सकते अगले छः महीने में क्या कितना विनिंग प्राइज किस हद तक जाने वाला है, छः महीने साल भर में इंशाल्लाह, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं होगा यूट्यूब में किसी ने इतना विनिंग प्राइज हर एक वीडियो में, खैर ज़्यादा बात कर कुछ फ़ायदा नहीं है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्रैक रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सीवन हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच जी। शेख शमसुद्दीन लिखते हैं भोजपुरी वर्ल्ड सीवन गेटिंग माय विनिंग प्राइस, पता है। एमडी पीकेटी लिखते हैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम सर, यूरोप का के लिए कोई अच्छा ऑफिस बताएं आप, यूरोप के लिए ऑफिस अवेलेबल है, यूट्यूब में जाएं वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, कंसल्टेंसी कौन कौन सी है यूरोप के लिए वो वीडियो बना हुआ है, प्लीज़ चेक कर लें। समाधान बचाओ लिखते हैं हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सीवन, थैंक्स सर जी, थैंक यू वेरी मच जी। आलम खान लिखते हैं गुड, थैंक यू वेरी मच जी। अहमद अली लिखते हैं आप एग्जीबिटर ऑपरेटर पोस्ट है तो बताइए, जी हाँ बिल्कुल है, तो प्लीज़ आप चेक करना पड़ेगा आपको वीडियो में। और शहवाज ने नंबर दिया, उन नंबर उनका चला गया अमाउंट। एमडी साजिद यहाँ पे ओए भाई मुंबई में पेपर कहाँ पर मिलता है, पेपर कहाँ पर, अभी न्यूज पेपर कहाँ मिलता है वो नहीं पता, हद हाल है भाई, अल्लाह अकबर हद हाल है। रफीक लिखते हैं यहाँ पे इंडियन हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के जॉब
रहे तो बोलिए, जरूर बोलेंगे इंशाल्लाह। उपेंद्र कुमार सिंह ने, सर प्लानिंग इंजीनियर का फ्रेशर के लिए जॉब मिल रहा है लेकिन कुछ कंडीशन और कुछ टर्म कंडीशन तो रहेगा, तो देख ले अगर आपको जमता है तो टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर फिट बैठते हैं तो प्लीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर में थोड़ा सा इशू होता है। उपेंद्र जी यहाँ पे MD गुलरेज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सिविल इंजीनियर का वांट, सिविल इंजीनियर का भी वांट आता है, बहुत सा वांट हमने खुद पब्लिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो चेक करें। आप सिर्फ मैसेज करके जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा अपना वक्त निकालना पड़ेगा अपने खुद के कैरियर के लिए, हमारे लिए नहीं। मतियर मंडल लिखते हैं, हाय हेलो जी मतियर जी, मस्ती सॉन्ग लिखते हैं, ड्राइवर जॉब है, जी हाँ बिल्कुल है। MD ताहिर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आपके बताए हुए ऑफिस से मुझे एक बहुत अच्छा जॉब मिल गया, देखिए जॉब मिल गया है सर और मैं फाइनल कतर में हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए ये MD ताहिर भाई को देखिए जॉब मिल गया, ताहिर भाई से हमारी बात भी हुई थी, हम क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो कि ताहिर नाम है, तो थोड़ा नाराज है आजकल तो उनसे बात हुई थी, ये तो कतर में जॉब मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह मबरूक, आपको बहुत बहुत मेहरबानी है मालिक की, जो आपको अच्छा जॉब मिल गया, सही रहें सलामत रहें, जॉब करते रहें, बस हमें याद करते रहें कभी कभी। तो ये हमारा अब तक का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता वीडियो को जरूर लाइक करें और पहली बार चैनल विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और क्लिक करें ताकि आने वाला टोटल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलता रहे, अपने भाई और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी सही जानकारी सही कंसल्टेंसी की नॉलेज पहुंच पाए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।